दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैड परवीन। दोस्तों आज का ट्रिप होने वाला है बहुत शानदार। हम आज जा रहे हैं अमृतसर, किस लिए आपको पता ही है, गोल्डन टेंपल के लिए। तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा गोल्डन टेंपल के बारे में और वहां के फूड ब्लॉग के बारे में। तो चलिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं यहां से। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए नीलकंठ करनाल। मैंने सुबह बताया था 7:30 बजे मैं गुड़गांव से चला था और ये करीबन चलिए 120-122 किलोमीटर के आसपास। और क्योंकि मुझे जाना है कहाँ पे, अमृतसर गोल्डन टेंपल के लिए, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है स्टेटिक चार्जर। और स्टेटिक चार्जर ये नीलकंठ करनाल बिल्कुल हाईवे पे है। एक बार हाईवे दिखा दो, बिल्कुल हाईवे पे है। और ये रही हमारी नेक्सोन ईवी मैक्स। मेरे हिसाब से एक चार्जर में ये पहुंचनी चाहिए, एक जो मैंने घर से चार्ज करा था और दूसरा ये मैं चार्ज ले रहा हूँ और यहाँ इसके करने के बाद मैं अमृतसर पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। तो ये हम मेरा पहला ब्रेक है नीलकंठ करनाल पे। अभी इसमें लगेगा ऑलमोस्ट 1 आवर, 50 मिनट के आसपास ये दिखा रहा है लगेगा। इसमें हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह निकले हुए, ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ है। चलिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक पे। बाय बाय, टेक केयर। हम पहुंचने वाले हैं अमृतसर, अगले आधे घंटे में अमृतसर पहुंच जाएंगे। और अभी तक हम चल चुके हैं कितना, मैं अभी दिखाता हूं आपको, 468 किलोमीटर, ये देखिएगा, ठीक है, 468 किलोमीटर हम अभी चल चुके हैं। और इसमें दिखा रहा है आपका, आप 50 किलोमीटर और है, 50 किलोमीटर और है, क्योंकि मैं चला हूं गुड़गांव के सेक्टर 108 से। अदरवाइज तो अगर हम बात करेंगे दिल्ली से अमृतसर 450 किलोमीटर ही है, बट वो 40-50 किलोमीटर हमारा जो हम गुड़गांव से आते हैं, थोड़ा सा पहले दिल्ली, फिर आपका रोनी करनाल बाईपास, इस तरह से आता है। तो हमने लिए दो चार्ज, एक चार्ज हमने लिया था नीलकंठ पे और दूसरा मैंने, ज़रूरत नहीं थी लेकिन मुझे, मैं आपको बताऊंगा, मैंने लिया था वो आपका लुधियाना में। रीज़न क्या है, मेरे पास ईवी मैक्स है जो बहुत आराम से एक चार्ज लेके और आपका अमृतसर पहुंच सकती है। पॉइंट ये है कि जिन मेरे भाइयों की गाड़ी, जो आपकी ईवी नेक्सोन ईवी प्राइम है, अगर हम बात करेंगे ट्रैगो है, टिगोर है, तो इन गाड़ियों के लिए आप वन गो में नहीं आ सकते हैं। एक चार्ज लेने के बाद आना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो उसके लिए एक चार्ज और ले लेंगे हम। तो पहला चार्ज आप लो करनाल में दिल्ली गुड़गांव से चल के, दूसरा आप ले लो लुधियाना में, और तीसरा की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अमृतसर पहुंच जाएंगे। बाकी आपको बाघा बॉर्डर वगैरह जाना है तो थोड़ा बहुत चार्ज आप अमृतसर में कर लो, और ऐसे ही आपको वापस आना है। अमृतसर से गाड़ी आप अपनी फुल करके चलें, देन उसके बाद आप लुधियाना ले लें, लुधियाना के बाद करनाल और सीधा दिल्ली गुड़गांव। ये मैं बता रहा हूँ आपको प्राइम वाले यूज़र्स के लिए, जो जिसके पास नेक्सोन प्राइम है, टाटा टिगोर है, एमजी की कॉमेट है, और जो जो 200 की रेंज देती है, 200 प्लस की रेंज देती है, उनके लिए आपको दो चार्ज लेने पड़ेंगे। आप एक घर से फुल चार्ज करके चलोगे तब मैं दो चार्ज बता रहा हूँ। और अगर आपके पास जेडएक्स है, एमजी की जेडएक्स है, या नेक्सोन की लॉन्ग रेंज वाली है जो नया मॉडल है, या नेक्सोन ईवी मैक्स है, तो फिर आपको बीच में एक चार्ज ले लो कहीं पे, अम्बाला वगैरह ले लो आप, और सीधा आप अमृतसर आ सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपको करनाल पर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अम्बाला ले लीजिएगा और अम्बाला से सीधा अमृतसर पहुंच जाएंगे।
ये देखिए, ये आगे हमारा टोल जाता है और ये अमृतसर का टोल है। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी पे पेटीएम का फास्टैग लगा हुआ था। अब जैसे आपको पता है 15 मार्च के बाद पेटीएम के फास्टैग काम नहीं करेंगे, तो बहुत इजी है, ऐसे वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, यहाँ पे टोल होगा। जैसे मुझे पता था 15 मार्च को मेरा टोल जो अपना फास्टैग है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने तभी के तभी लगवाना नहीं सोचा। मुझे पता है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैंने आज क्या कहा, पहले टोल पे गाड़ी पार नहीं करी। अगर मैं पार करता तो मुझे वो डबल कैश देना पड़ता। तो उससे पहले ही फास्टैग के हर जगह फास्टैग के छोटे छोटे बूथ लगे हुए हैं। तो मैंने ये आपका एयरटेल का लगवाया, बहुत सही है, और मोबाइल से ही उसने उसका KYC भी कर दिया, और ही चार्ज 100 रुपीज़ उसने मुझसे ज़रूर लिया। अब ये मुझे नहीं बताना, कमेंट में बताना मेरे को, कमेंट बॉक्स में, कि 100 रुपये का जो चार्ज लिया है वो सही लिया है या वो फ्री है या वो 50 रुपीज़ का है, कितने का है वो। उसने मुझे 100 रुपये लिए, साथ में मेरे जो एयरटेल का ऐप है और उसमें वॉलेट है एयरटेल का, वो उसके साथ उसने उसे ऐड कर दिया, मैंने वॉलेट को रिचार्ज कर दिया और मेरे वॉलेट से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। बट बहुत अच्छा है, आपको मैं बताता हूँ इसमें इन्होंने एयरटेल वाले में क्या खासियत है, मुझे ओरो का भी नहीं पता है। इसमें इन्होंने QR कोड दिया हुआ है फास्टैग पे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखाना जरा एक बार, ये देखिएगा, ये फास्टैग का कोड दिया हुआ है। आपको चार्ज इतना इजी होता है, आप इसको स्कैन कोड करो और इसी से ही आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। किसी भी ऐप से आप बस इसको स्कैन कोड करो और अमाउंट ऐड कर दो, वो अमाउंट सीधा आपके एयरटेल वॉलेट में चला जाएगा। थोड़ा आसान लगा, एक तो ये इसकी बड़ी खासियत है। दूसरी क्या खासियत है, आप एक अकाउंट पे 6 गाड़ियों के फास्टैग ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको फास्टैग तो अलग अलग मिलेंगे, जो आपका बार कोड टाइप है ये आपकी गाड़ी पे पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो आपके एक नंबर से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर फैमिली की 5-6 गाड़ियाँ हैं, 6 गाड़ी तक आप ऐड कर सकते हो, तो आप एक ही वॉलेट को रिचार्ज करो और सारी गाड़ियाँ उसी से पैसे लेती रहेंगी, उसी से वॉलेट से आपका डिडक्ट होता रहेगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 फास्टैग लो, 6 नंबर चाहिए उसके लिए, 6 नंबर के साथ 6 वॉलेट चाहिए, वो करने से अच्छा है 1 नंबर 1 वॉलेट 6 गाड़ियाँ आपकी फास्टैग लग जाएगा। तो ये केवल वो बता रहा था, एयरटेल में है। तो ओरो की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, अगर आपको किसी को और आइडिया हो तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, सो डैट मैं सभी को ये करेक्ट कर सकूं। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है मुझे, वो एयरटेल वाले बंदे ने दी है। मैं 100% तो उसको नहीं बोलूँगा, बट ये उसने बताया तो ये उसने कंफर्म करा है। चलिए मैं अब आपको अमृतसर जाके पूरा वीडियो आपका आगे बताऊंगा। इसमें हम कवर करेंगे अपना फूड ब्लॉग, हम करेंगे जो वहाँ पे फेमस फूड रेस्टोरेंट है, प्लस अपना गोल्डन टेंपल है, बागा बॉर्डर है, जलियांवाला बाग है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाय बाय। जय बाबा जी, जिसका आपको सबको इंतज़ार था। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं तो ये यहाँ पे गेट की एंट्री है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे गेट हैं अंदर आने के लिए, बट मेन गेट यही है। तो आप आने से पहले आप अपने हाथ पैर यहाँ पे पहले एक बार वॉश करेंगे गुरुद्वारे में जाने से पहले।
देखने को लगता है, पूरा मार्केट ऐसे लगता है जैसे गुरुद्वारे का ही कंपाउंड है, उसी से रिलेटेड ये मार्केट है और सब उसकी छवि को और निखारते हैं। आपको मैं बोलता हूँ यश एक बार दिखाऊँ तो उनका सेम बोर्ड और सेम तरीके के आपके यहाँ पे बोर्ड और जो यहाँ पे दुकानों के नाम हैं सेम फॉन्ट में लिखे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, जहाँ पे जनरल डायर ने अपना आतंक मचाया था और सैकड़ों हमारे भारतीय भाइयों को हत्या कर दी। बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार को से लगभग 105 साल हो गए हैं, लेकिन जख्म ना आज भी ताजा हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में जो हुआ वो दुनिया के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक माना जाता है। तब हमारे भाई बहन जो नियत्थे थे, निर्दोष थे, उन पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे, कई वहाँ मौजूद कुएं में कूद गए थे। जो कुआ आप देख रहे हो, इसमें कूद गए थे। यह कुआ आज भी उस काले दिन की निशान अपनी गहराइयों के लिए हुए है। भले ही कुएं का रिनोवेशन करा दिया है, भले ही इसे ग्लास से चारों तरफ से कवर कर दिया है, लेकिन नहीं बदला जा सकता कि वह मंजर जो आज भी सीरन पैदा कर देता है। ये वो टाइम है, ये पंजाब के लिए बड़ा ही दुखद वाला टाइम था, और पंजाब को ये चीज़ जो जलियांवाला आज भी समेट के रखे हुए हैं, ये उस टाइम का हमें याद दिलाता है कि कितना अत्याचार हुआ था ब्रिटिश सरकार से हमारी भारतीयों पे। चलिए, ये है कहानी कुएं की, आगे बताता हूँ। अगर आप अमृतसर आए हुए हैं बंगला साई में, तो ये हो नहीं सकता कि आप यहाँ की फेमस ज्ञान दी लस्सी ना पिएं। तो ये भैया ने ज्ञान की लस्सी है, और ये आप देखिए लस्सी, और यहाँ की वेल फेमस लस्सी है। और भी चीज़ों का मैं आपको अवगत कराऊंगा, बट भैया आप यहाँ कब से हैं यहाँ पे? सर, ये जो शॉप है ये 1921 से, ये शॉप यहाँ पे 1921 ऑल मोर देन 100 ईयर्स ये दुकान यहाँ पे हुई है। पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की ये शॉप है, देखिएगा। चलिए आगे मैं आपको फिर और भी फूड जंक्शन दिखाऊंगा जैसे ही ओपन होते जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, सारी शॉप अभी ओपन नहीं हुई है। जैसे होती जाएंगी मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं आगे वाली। ये तो हो नहीं सकता, ये देखिएगा ग्लास आ गया मेरा हाथ में, और डिलीशियस। मैंने लस्सी काफ़ी पी हुई है, बट कुछ तो बात है यहाँ पे कि कुछ अंतर है यहाँ पे पीने का, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी। चलिए, ये है फिरनी, ये है रबड़ी, ये है कर्ड। तो सबका अपना जवाब नहीं है, तो मैं आपको फिरनी भी एक बार एक प्लेट ली। अच्छा, ओ ये ऊपर नीचे कर रखी है। जो है तो ये है फेमस करतार पहलवान कुल्चा, और अभी पीछे एक वीडियो देखा हुआ कि हमारा कल्ली टेल्स का, वो लोग यहाँ पे आके कुल्चा खाए थे, ये वाकई में फेमस है। टेस्ट के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, एक दो प्लेट खा के देखते हैं। तो ये आ गया है अपना करतार पहलवान सिंह ढाबे का कुल्चा प्लेट, और देखने में तो बहुत ही लग रहा है, टेस्ट करके भी एक बार दिखाते हैं। बिल्कुल
एंड बाइक कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन पूछा है कि मैंने आलू प्याज कर लिया आपका में जैसा नाम दिखाई दे रहा था जैसे आपका सुनने में आ रहा था करताब पहलवान फुल्के वाले का तो ऑसम है। मैंने तो शायद ऐसा कुछ नहीं खाया है तो अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो आप ज़रूर आकर टेस्ट करिएगा। थैंक यू।